श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि जब बड़े हो जाएंगे, अब बड़ा बालक तो मिट्टी खाता अच्छा नहीं लगता, तो बोले इस लाभ से वंचित न रह जाएं, इसलिए जब छोटे थे तो माटी खाई। संतों ने भिन्न भिन्न उत्प्रेक्षाएं की हैं कि श्री कृष्ण ने माटी क्यों खाई, पर रसिकों का एक मत है इसीलिए खाई क्योंकि प्रिया जी की चरण रेणु है, धन धन राधिका के चरण, परम कोमल सुखद शीतल कमल के से बरन, कणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करन, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। वो श्री चरण ब्रह्मादिकों को जिनके दर्शन का अधिकार नहीं है, यत पादाम्बुर है एक रेणुकणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रयः। वो चरण कमल जिन्हें ब्रह्मा शंकर अपने अधिकार से देख नहीं पाते, वो चरण कमल श्री प्रिया जी बिना किसी व्यवधान के ये वृंदावन की अवनी चुम्बन करती है श्री प्रिया जी के उन चरण कमलों का। चरण चिन्हों से अलंकृत है वृंदावन की भूमि, आचार्यों की कृपा से दृष्टि प्राप्त हो तो रसिक लोग आज भी उसी रज में लुंठन करके वो सुख प्राप्त करते हैं। रसीली वृंदावन की धूर, जय 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 श्री वृंदावन, परस किए पाप ताप सब दूर, जय 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 श्री वृंदावन, रसिक जनन की जीवन मूर, जय 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 श्री वृंदावन, को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन। तो ठाकुर की कृपा से कोई और प्रसाद मिले तो लेना, प्रसाद का व्यापार नहीं करना, वृंदावन की रज से बड़ा कोई प्रसाद नहीं, ये सर्वोपरि प्रसाद है। और हमारी किशोरी जी ने बांटने में बड़ी उदारता दिखाई है कि वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही आप नहीं भी मांगे, यही हमारी करुणामयी की करुणा है कि जीव नहीं भी मांगे तो भी रज तो उड़ लागे तन ही और पीवे जमुना तो। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, जाऊं कुछ ले जाऊं। तो भावग्राही जनार्दन, तो संत ने कहा, बोले या तो बिहारी जी को राग बड़ा प्रिय है, वो संगीत के रिजवार हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी, वृंदावन के रसिकों की उपासना की विधि क्या है, निस दिन गान गागा कर रिझाते हैं प्रिया प्रीतम को, नैन न मूंदे ध्यान को और किए न अंगन न्यास,
नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन में। रास बिहारी हैं, गायन वादन और नृत्य, ये तीनों विधाएं सदा सेवा में रहती हैं, तीनों कलाएं। तो बोले या तो राग के बड़े प्रेमी हैं या श्री बिहारी जी को इत्र बहुत प्रिय है। तो उन्होंने मन में विचार किया, बोले भाई राग सीखना तो अब हमारे वश की बात नहीं है, हाँ इत्र हम लेके जाएंगे। तो बड़ी कीमत का, बड़े भाव से बड़ा अमूल्य इत्र उन्होंने तैयार कराया। बड़े भाव में भरकर चले वृंदावन की ओर, पहुंचे वृंदावन। फागुन का महीना था, त्रिविध समीर चहुं और बासंती बयार से संसेवित, असंख्य असंख्य पुष्पों से सुसज्जित, पुष्पित पल्लवित प्रफुल्लित वृंदावन का दर्शन किया, मन आनंद से भर गया। श्री स्वामी जी उस समय श्री जमुना जी के किनारे अपनी मानसी भावना में बैठे थे, लीला चिंतन कर रहे थे और भावना में प्रिया प्रीतम को होली खिला रहे थे। और भावना में लीला कहां तक पहुंची कि होली की क्रीड़ा हो रही है, होली का खेल हो रहा है, प्रिया जी लाल जी को रंगने वाली हैं कि उनके हाथ से रंग से भरी कमोरी छूट गई। लाल जी के हाथ में भरी हुई पिचकारी है, अब यदि लाल जी पिचकारी चला देते हैं तो प्रिया जी की हार हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। उस व्यक्ति ने वो जो इत्र का पात्र जो वो बड़े भाव में भरकर लेकर आया था, वो श्री स्वामी जी के सन्मुख धर दिया। स्वामी जी जमुना जी की रेती में विराजमान थे। स्वामी जी ने आव देखा ना ताव, वो पात्र उठाया और वहीं जमुना जी की रेती पे उड़ेल दिया। अब तो उस सज्जन को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी भेंट श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंची नहीं, श्री ठाकुर जी ने स्वीकारी नहीं की, ये कैसा अटपटा सा व्यवहार इन संत ने किया, हम तो बड़े भाव में भर कर लेकर आए थे। फिर अपने मन को समझाने लगे कि हमारे ही भाव में कोई त्रुटि रह गई होगी, कोई दोष रह गया होगा जो श्री जी ने सेवा स्वीकार नहीं किए। यही संकल्प विकल्प मन में उठते रहे, बड़ी देर वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद जब स्वामी जी की आंख खुली, स्वामी जी ने देखा और उन सज्जन को किंचित उद्विग्न मना देखते श्री स्वामी जी ने कहा कि आपने इन्हें कुंज बिहारी का दर्शन कराया? बोले तो सीधे ही आपके चरणों में आकर बैठ गए थे। स्वामी जी ने कहा बाकी की वार्ता फिर होगी, पहले जाओ इन्हें कुंज बिहारी लाल का दर्शन तो करा लाओ। जैसे ही निधिवन राज पहुंचे, भीतर गए, कुछ जानी पहचानी सी महक आ रही है और जैसे ही पुजारी ने पट खोला, नख से शिक तक श्री बिहारी जी सरोवार हो रहे थे उसी इत्र से। पूरा निधिवन राज महक रहा था उस इत्र की दिव्य सुवास से। सजल नयन हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए स्वामी जी को जाकर। स्वामी जी ने लीला का रहस्य उद्घाटित किया कि प्रिया जी के हाथ से कमोरी छूट गई थी, आपका इत्र से भरा पात्र सन्मुख आया, हमने प्रिया जी के कर कमल में दे दिया, प्रिया जी ने लाल जी पर उड़ेल दिया और होली के खेल में हमारी श्यामा जू की विजय हो गई। इस रसोपासना का नाम नित्य रसोपासना है, जो कल कहीं नहीं थी और कल कभी नहीं होगी, जो आज है अभी प्रत्यक्ष। यही वृंदावन के भाव की विलक्षणता है कि वहां पर भाव प्रत्यक्ष है, मूर्तिमान। राधा वल्लभ और कुंज बिहारी कोई विग्रह नहीं है, उसमें मूर्ति की भावना करना अपराध है। जहां प्रेम साकार हुआ है, जहां प्रेम प्रत्यक्ष हुआ है। एक बार एक सज्जन खड़े सामने श्री बिहारी जी से कह रहे थे, बोले बिहारी जी कब दर्शन दोगे, कब आपका दर्शन होगा? एक संत को बड़ा क्रोध आया, बोले तो अभी क्या करते हो? तो बोले अभी क्या करते हो, श्री ठाकुर जी में विग्रह की भावना करने से ब्रह्म बुद्धि शिथिल पड़ती है। इसीलिए और वैसे भी आचार्यों ने जो रहस्य प्रकट किया सेवा का, सेवा परिपूर्ण मानकर की जाती है। मूर्ति की तो पूजा होती है, अर्चना होती है, सेवा तो प्रकट ठाकुर की होती है और भावना में प्रभु बसते हैं।
और जैसा भाव आप निवेदन करेंगे त्यों का त्यों आपको उत्तर मिलेगा, मिल रहा है रसिकों को। मैं इसीलिए इतने विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, जो भाव आप निवेदन करेंगे आपको तुरंत उत्तर मिलेगा। बस बात यह है कि वृंदावन जाने से पूर्व कुछ सावधानी अपेक्षित है। ये विधि आप जानते हो कि आपको किस प्रकार जाना है। तुलसी हरिप्रिया है, भगवान का सानिध्य देने वाली है। आप तुलसी के निकट जाते ही उसे पौधा समझ लेते हो तो वो पौधा हो जाती है। आप मंदिर में प्रवेश करते ही सन्मुख खड़े प्रभु को मूर्ति मानते हो तो वो मूर्ति हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। हम एक घटना प्राय करके कई बार सुनाता हूं। हमारे गिरिराज जी में बाबा थे, वो सेवा करते थे गोपाल जी की। वल्लभ कुली थे, बड़े आचार विचार से बड़े लाड़ से सेवा करते थे। एक दिन मांग का महीना, सुबह सुबह का समय, गोपाल जी को स्नान कराए और दुग्ध आदि का भोग लगाकर विश्राम करा दिए। अब वल्लभ कुल में आचार विचार का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्पर्श आदि की बड़ी सावधानी रखी जाती है वहां। तो बाबा बाहर आए मंदिर से, अब जूं ही बाहर आए ठाकुर जी ने आवाज दे दी, बोले बाबा ये खिड़की को किवार तो खुलो ही रह गए हो और सीरी सीरी बयार चल रही है, मुंह जाड़ो लग रहे हो, ने तू आए कि खिड़की बंद कर दे। अब बाबा बेचारे क्या करते, नहाए ठंडे पानी से, फिर स्नान किया, शीतल समय शीतल जल स्नान किया, भीतर गए किवार लगा दिया, फिर बाहर आ गए। अभी आए ही थे फिर आवाज आ गई, बोले बाबा रजाई तो सरक सरक जा रही है और मुझे जारो लग रहे हो, तूने एक रजाई ओढ़ाई ठीक से आए के। अब मरता क्या ना करता, फिर स्नान किए, फिर गए भीतर, थोड़ी रिस आ गई बाबा को। अब भक्तों को अधिकार है, इसका भी अधिकार है उन्हें, तो रजाई ओढ़ा दी, बाहर आ गए। अभी बैठे ही थे, बोले बाबा जी बिल्ली को बच्चा बहुत उधम कर रहे है, मुझे डर सो लग रहा है, नेक भगाई आया आए के। अब चले तो गए बाबा तीसरी बार स्नान करके। ठाकुर जी से कहने लगे, बोले लाला जब तेने रावण मारे हो और जब तेने कंस पछारे हो, बोले तब ना तो बिल्ली आई और ना तब रजाई सर की और ना खिड़की खुली रही। बोले लाला सबरी लीला तो आज ही याद आ रही है। ठाकुर जी झट से उठ के बैठ गए, बड़ा रहस्य छिपा इस लीला में। बोले देख बाबा, कह तो तू मोए भगवान मान के मेरी पूजा कर ले और कह मोए अपनो लाडलो बालक जान के मेरी सेवा कर ले, एक म्यान में दो खड़ग नहीं रह सके, एक हृदय में एक ही भाव रह सके, कह तो तू मोए भगवान मान ले और जो मैं भगवान हूं तो फिर मोए काऊ की सेवा की कोई आवश्यकता ना है। जो भगवान के ऐश्वर्य को तिरोहित कर दे वो माधुर्य प्रतिष्ठित किया है वृंदावन के आचार्यों ने, बाधित कर दिया है भगवान के ऐश्वर्य को। किसी ने आज प्रश्न किया था कि उस समय ऐश्वर्य कहां जाता है। एक राजा जब अपनी रानी के साथ शयन कक्ष में उसकी चाटुकारिता करता है, होता तो वो उस समय भी राजा है लेकिन उस समय उसके वैभव का आदर्शन हो जाता है। श्री ठाकुर जी भी जब मधुर लीला करते हैं तो वहां पर उनके ऐश्वर्य का अभाव नहीं होता, वो उस समय भी सर्व कारण है, वो उस समय भी सर्वंतर्यामी है, वो उस समय भी सकल लोक चूड़ामणि है, वो सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है। लेकिन भक्ति है जो उन्हें सर्व सुलभ कर देती है, वो सबके हो जाते हैं। और यही कला है, यही कला है उन्हें बांध लेने की। लेकिन प्रेम प्रेम सब कोई कहे पे प्रेम ना चीन है कोई, यशोदा मैया भी नहीं पहचान पाई, हट कर बैठी, लाला तो बांधूंगी और हर बार रस्सी पड़ जाए दो उंगली छोटी। सब ब्रजपुर की रस्सियां डोरियां आ गई पर लाला नहीं बंधा, मैया का हट भी बढ़ता ही जा रहा है कि आज बांध कर ही छोड़ूंगी। तो श्री ठाकुर जी कह रहे मैया जब तक तू अपना ये वाक्य अपना संकल्प शुद्ध नहीं करेगी तब तक मैं नहीं बंधूंगा। मैया ने कहा ऐसी क्या अशुद्धि रह गई मेरे संकल्प मेरे,
तू कह रही है बांध कर छोड़ूंगी और मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। तू मुझे बांध कर छोड़ देगी और मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, तेरा संकल्प अशुद्ध है। जब श्रमित हो गई मैया कि बांध के तुझे सदा सदा के लिए अपना बना लूंगी, जब यह संकल्प स्फुरित हुआ तो एक गोपी ने आकर डोरी दी हाथ में। दो उंगली छोटी रहती थी डोरी, किसी एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता थी जिसमें दो वर्ण हो। तो डोरी मैया के हाथ में आई और गोपी ने संकेत में लाला से कह दिया, लाला अब के ध्यान रखियो रस्सी बरसाने ते आई है। और ठाकुर जी झट से बंध गए। ये दो वर्ण सबकी कमी पूरी कर देते हैं। राधा 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 संतों का अनुभव है, सब अंग गुणहीन हो और ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपा दे जो कछु होए सो। सा राधेति सदा हृदय स्फुरतु में विद्या पराद्वय अक्षरा, सहज स्वभाव प्रयो नवल किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। श्री राधा 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 कृपा करो श्री।
चरणों के आभा मंडल में बैठा है। अपना भाव निवेदन करने में कोई दरिद्र मत रहना। श्री राधा 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 सुनवाई हो न हो, पर मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और यहां तो भक्त और भगवान दोनों हैं। अर्जी की सुनवाई ना हो तो ठुकराई भी नहीं होगी, ये बड़ा विश्वास है। लाडली इतना तो कीजो स्वामी, इतना तो कीजो सावन को भी तो स्वामिनी विनय मानी जो लाडली चरण रख ली जो जगत जान सुनाए वास्ते सावन को भी तो किशोरी मोहे अपनी कर ली जो स्वामिनी से
काहू को भरोसो है शंकर वरदान, काहू को भरोसो है उमा रमा शारदा को, काहू को भरोसो है दुर्गा भवानी, काहू को भरोसो है रिद्धन को सिद्धिन को, काहू को भरोसो है जोगी जती ज्ञानी को, मोहे तो भरोसो, मोहे तो भरोसो, मोहे तो भरोसो है राधा महारानी को, मोहे तो ऐसे किशोरी जो नहीं बने कैसे, सुधि को बिसार रही हो, हे अविनाशिनी दीनन स्वामिनी, कामम बार विचार रही हो, तेरे तेरे बिलोकत ऐसी दशा, मुहे क्यों भव सिंधु में डार रही हो, मौसम दीन अनेकन तारे वाशम ते अब हार रही हो, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामी विनय मानी किशोरी अपनी कर ली। और मैं अभी आपसे कह रहा था कि जिस भाव भावना में सब कुछ प्रत्यक्ष है उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और ये शायद इसी भावना का प्रमाण है कि जिसकी इच्छा मात्र आपको भीतर से परितृप्त कर दे। महाभाग्य परिभाग लब्ध राधा पदस प्रिहा, जब श्री किशोरी जी के चरणों के कैंकर्य की इच्छा मन में उदय हो तो सब वासनाएं निवृत्त हो जाएं, कामनाएं नष्ट हो जाएं। जिसे पाने की इच्छा अन्य सब इच्छाओं को नष्ट कर दे, जिसके निकट जाने की कामना संसार की कामना का नाश कर दे। हमारे बाबा जब राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते थे तो कहते थे कि मेरा दिल धड़कता है तेरा पर्दा देखकर, मेरा दिल धड़कता है तेरा पर्दा देखकर, जो सामने तू हो तो आलम क्या होगा। और ये भावना संतों की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से किंचित जीवन में अनुभूत होती है कि अभी श्री जी के चरण कमल मिले नहीं, अभी तो मिलने की आशा भी ठीक ठीक से नहीं जगी है, लेकिन फिर भी इस आधी अधूरी सी आशा में भी कोई बड़ा अद्भुत सा आनंद है जिसके आगे बाकी सब आनंद ओछे मालूम पड़ते हैं, खोटे मालूम पड़ते हैं।
व्यास जी कहते शाम निवेरो सब सो झगरो, देवी देवा भूत पितर फारे सभी को कगरो, और कीनी कृपा व्यास पे दीनो अचल भक्ति सुख अग्रो। कोई विलक्षण सा सुख दे दिया मुझे वृंदावन धाम ने, अब मैं वृंदावन धन पायो। अब तो व्यास बिहार विलोकत सुख नारद मुनि गायो। तो ये हुई वृंदावन रस की ये दो धाराएं, जिनको मैंने किंचित स्पर्श भी नहीं कर पाया, मैं ठीक से मैंने प्रणाम किया है। और अब इन तीनों धाराओं का मूल उद्गम श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने इस रस रीति को प्रकट किया, प्रतिष्ठित किया, प्रकीर्तित किया और प्रमाणित भी किया कि श्री प्रिया जी के चरणारविंद की भक्ति में कोई ऐसा विलक्षण सामर्थ्य है कि इन चरणों के आश्रय लेने वाले को फिर किसी विधि निषेध के बंध में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भाव में भरकर वृंदावन के संत बोलते हैं कि मंत्र पायो हित गद्दी में। बोले जो इस परंपरा से मंत्र पाया जिसने, जो इस परंपरा से प्रिया जी के आश्रित हुआ, तो कहते हैं मंत्र पायो हित गद्दी में, यमराज का खाता गयो रद्दी में। और वृंदावन के रस रसिकों ने ऐसा जीवन जिया, हरिराम व्यास जी जब आ गए वृंदावन, क्योंकि समय मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है कि मैं महाप्रभु का चरित्र आरंभ करूं, और मुझे लगता है पहले दिन कही गई बात ही पूरी होगी, कथा का आरंभ तो अभी होगा और कथा का विस्तार मैं अगली बार आकर करूंगा। और मैंने तो केवल ऐसे ही कह दिया था, पर परम पूज्य बाबा ने और सतत स्मरणीय परम प्रेमास्पद जीव मात्र के परम प्रेमास्पद श्री भाई जी महाराज ने मेरी वो बात सुन ली, सुनी तो आप सबने भी, पर वो विलक्षण श्रोता हैं इसीलिए उन्होंने सुनकर मान भी ली। और संयोग कह लीजिए, पर मैं तो नहीं कहता, मैं तो कृपा ही कहूंगा कि इस वर्ष 17 सितंबर को मुझे पता चला कि परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की 125वीं जयंती है, वो समारोह है। और इस भीड़ में से, आपकी भीड़ नहीं, हम लोगों की भीड़ कह रहा हूं, कथा कहने वालों की भीड़, और इस भीड़ में से परम पूज्य भाई जी ने मुझे चुन लिया सेवा करने के लिए। और केवल इस लोभ से कि जब यहां इन लोगों ने अपनी बात रखी, केवल इस लोभ से कि इन्होंने कहा कि इस कथा के यजमान, क्योंकि उत्सव भाई जी को निवेदन होना है, तो कथा के यजमान स्वयं बाबा होंगे। और देखो, कथा तो निर्भर करती है व्यास पे, कथा तो निर्भर है व्यास पे, और प्रसाद मिलता है यजमान कैसा है। भाई बहुत बड़ा सेठ कथा कराता है तो बढ़िया प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे जैसा व्यक्ति यजमान बनता है तो हम तो कहते कथा ही प्रसाद है, बस हम तो इसी में सिलटा देते हैं। तो इन्होंने कहा यजमान होंगे बाबा, तो जब बाबा यजमान बनेंगे तो सोचो मुझे कैसी दक्षिणा मिलेगी। तो मैंने तो अपनी दक्षिणा के लोभ से हां की है और यथामति। और दूसरा एक विषय ये था कि विशुद्ध रूप से हमको वृंदावन की और वृंदावनेश्वरी की, उनके रूप रस वैभव की चर्चा करने का अवसर इसी प्रांगण में मिलेगा। तो सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, पर मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हूं मैं भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इस रस का और विस्तार आचार्यों की कृपा का आश्रय लेकर किया जाएगा। और इतना ही कहकर मैं विराम दूंगा कि ये तीन दिन
जो आनंद, जो उत्स, जो उल्लास यहां पर प्रकट हुआ, इस चर्चा में अगर किसी को आस्वादन हुआ, वृंदावन रस की अगर कोई अनुभूति यहां पर प्रकट हुई, तो वो श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु की ही कृपा का प्रसाद है। क्योंकि मैंने तो जो प्रसाद पाया है इन्हीं चरणों से पाया है, इन्हीं का गुण गाता हूं, और संतों के भाव का आश्रय मिला है कि गाया गाया हरि गुण गाया और काल व्याल सो बाची माई सांवरे रंग राची। तो श्री महाप्रभु जी की चर्चा और श्री प्रिया जी की चर्चा बिल्कुल एक दूसरे में ओतप्रोत है। ऐसा मैंने अभी स्वामी जी की कथा निवेदन करते हुए आपसे कहा कि यहां धामी धाम, उपासक उपासना, उपास्य तद्वत हैं। ऐसे ही प्रिया जी की चर्चा के साथ स्वाभाविक श्री महाप्रभु जी की चर्चा होगी और महाप्रभु की चर्चा के साथ श्री प्रिया जी की चर्चा होगी। तो जो भाव यथामति में निवेदन कर पाया वो पूज्य चरणों में निवेदन करता हूं, राधा वल्लभ लाल के युगल चरणारविंद में, श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में ये भाव निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल जय 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 श्री वृंदावन, विहरत संग लाडली बाल जय 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 श्री वृंदावन, यमुना नील वनिन की माल जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस वर्षत सब